Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to my channel. So now we are going to start with page number 173. So page पे हमारे पास सबसे पहले B part है. If Soha's heart beats 72 times in 1 minute, how many times does it beat in 1 hour? So देखो 1 minute में हमें बताया है कि 1 मिनट में 72 times heart beat कर रहा है, तो 1 hour में कितना करेगा? So 1 hour is equals to 60 minutes. So therefore अगर 1 मिनट में 72 times कर रहा है तो 60 minutes में कितने times करेगा? 72 into 60. Correct? So इसको multiply कर देते हैं. 72 को multiply किया 60 से. So ये तो हो गया. आप हाँ 6 से भी करके 0 लगा सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा. नीचे फिर 0 लगाया. 6 2s are 12. 6 into 7 is 42 plus 1 43. So ये हो गया जी 0, 2, 3, 4. So यहाँ पे हमारे पास आ गया 4320. तो that means अगर 1 hour का हम निकाले तो वो 4,321 बार बीट करेगा. Next है, now find out how much time it beats in 1 day. अब 1 day की अगर हम बात करें तो 1 day is equals to 24 hours, और अभी हमने 1 hour का निकाला तो 1 hour का हमारे पास है 4320. 24 hours का निकालना है, so simply 4320 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, है ना. so यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4320 into 24. Now 4 into 0 is 0. 4 2s are 8. 4 into 3 12. 4 4s are 16 plus 1 17. 0 लिखा. 2 into 0 0. 2 into 2 4. 2 into 3 6. 2 into 4 8. सो ये जी आ गया 0 8, then 4 5 6 and 6 6 हमारा 12 plus 1 13 and 8 9 10. सो कितना आ गया? 1 0 3 6 8 0. इतनी बार बीट करेगा 1 day में या 24 hours में कह सकते हैं. तो ये 1 day का निकल गया. अब हमसे बोला है काउंट योर ओन हार्ट बीट्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 week. सो हमें 1 week का निकालना है. सो आ जाते हैं. अब हमारा लेट्स सपोज हमने लेट कर लिया कि जी 1 मिनट में 70 टाइम्स बीट किया. उसमें 72 गिवन था, तो हमने 70 टाइम्स ले लिया. ठीक है, रैंडम कुछ भी ले सकते हैं. तो 1 मिनट में अगर 70 बार बीट कर रहा है, हमें निकालना है 1 week का. देखो सिंपली एक एक करके चले तो देखो मिनट से आप आवर्स पे आ सकते हो, आवर्स से डे पे. जैसे कि 1 hour हमारा इक्वल होता है 60 मिनट्स के, है ना. तो अगर 1 मिनट का गिवन है तो मैं 60 मिनट्स का निकाल सकती हूँ. तो 60 मिनट्स का क्या होगा? अगर 1 मिनट में 70 टाइम्स है तो 60 मिनट्स में 70 इंटू 60. मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत है. 7 6s are 42 लिख दिया और साथ में 2 zeros लिख दी. ठीक है, तो अब मेरे पास 1 hour का आ गया. हमें पता है 1 day में 24 hours होते हैं, तो 1 hour से मैं 24 hours का निकाल सकती हूँ. तो जी अगर 1 hour में 4200 टाइम्स है तो 24 hours में 4200 इंटू 24 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? 1 day का. सो अगर 1 day का है तो 7 days का निकालना आसान हो जाएगा. 7 days is equal to 1 week, और वही हमें फाइंड करना. तो पहले 24 hours का निकालते हैं. अगेन 2 zero ऐड करने हैं, तो 42 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 24 से. 0 हटा दी हमने, वो हम यहाँ पे आंसर में ऐड कर देंगे. 4 2s are 8. 4 4s are 16. 0 लगाया. 2 into 2 4. 2 into 4 8. सो ये आ गया जी 8 6 7 8 9 10 and 8 9 10. सो ये आ गया हमारा 1008, लेकिन 2 zero साथ में. तो ये आ गया जी 1 day का. अब 1 day का है तो 7 days का निकालना बहुत ईजी है. 7 days मतलब 1 0 0 8 0 0 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से. ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं. 1 0 0 8 0 0 इंटू 7. So 7 into 0 is 0. 7 into 0 0 again. 7 into 8 is 56. 7 into 0 0 plus 5. Then 7 into 0 0 and 7 into 1 is 7. So क्या आया आंसर? 705600। ये आ गया 1 वीक का, एंड हमें 1 वीक का ही निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। Now the C part is a baby elephant drinks around 12 liter of milk every day। तो एक baby elephant है, वो 1 day में कितना milk drink करता है? 12 liters। Now how much milk will it drink in 2 years? तो 2 years का हमसे पूछ लिया है। So हमें पता है 1 year हमारा होता है 365 days का, तो 2 years कितने हो जाएंगे? 265 into 2 days, है ना, या 365 into 2, या फिर आप 365 plus 365 भी कर सकते हो। सो मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 6 2 12, ऊपर एक कैरी था 13 हो गया, एंड देन 3 2 6 प्लस 1, तो मतलब 730 days। ठीक है, तो 2 years में 730 days होते हैं। सो 1 day का हमें गिवन है, 730 days का निकालना है, तो वो हो जाएगा 12 into 730। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 730 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 2 into 0 is 0, 2 into 3 is 6, 2 into 7 is 40, ये लिखा 0, 1 into 0 0, 1 into 3 3, 1 into 7 7, so ये हो गया जी 0 6, then 4 5 6 7 and 7 plus 1 8, तो ये हमारा आ गया 8760। तो 2 years में वो इतना लीटर मिल्क ड्रिंक करेगा। ठीक है, डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट है अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क। वो कितना मिल्क ड्रिंक करती है 1 day में? अराउंड 200 लीटर्स। जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज। तो 200 लीटर बहुत ज्यादा मिल्क हो गया। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर। अब अगर हमारी फैमिली में 200 लीटर ऑफ मिल्क है तो वो कितने दिन चलेगा? देखो, लेट्स सपोज हमने मान लिया कि 1 day में हम 5 लीटर मिल्क कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि 200 लीटर आप कितने डेज में करोगे? पहले तो देखो क्वेश्चन उल्टा हो गया। 1 day में अगर 5 लीटर लेते हो तो 200 कितने डेज में करोगे? अब हमें ज्यादा से कम में जाना है कि हमें एक दिन का बता दिया 5 लीटर, कितने दिन का करोगे? अगर तो बोलते जी 10 दिन में कितना करोगे तो हम 10 into 5 कर दे, लेकिन यहाँ पे हमसे उल्टा पूछ लिया कि कितने डेज में खत्म होगा, तो उसके लिए हमें 200 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटाती हूँ, 5 को अगर डिवाइड करूँ 200 से तो वो हो जाएगा 5 into 4 20, ये हो गया 0, एंड 5 into 0 0, सो देयरफॉर 40 days में हम लोग कंज्यूम करेंगे 200 लीटर, अगर हम एक दिन में पी रहे हैं 5 लीटर तो। सो इसको आगे लेके जाते हैं। Question: How much milk would the baby blue whale drink in 8 months? अब यहाँ से हमसे पूछ लिया कि 8 months में कितना ड्रिंक करेगा। 1 day का गिवन है। यहाँ से अब देखो एक दो तरीके हैं निकालने के लिए। या तो आप निकाल लो जी 8 months में कितने डेज होंगे, ठीक है, या 1 day से आप 1 month का निकाल लो कि 1 month में 30 days होते हैं, तो 1 month का निकाल लो एंड वहां से 8 months का निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ भी दोनों में से कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज 1 day का हमें 200 लीटर गिवन है, सो हम पहले 30 days का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 30 days में कितना कंज्यूम होगा? अगर 1 day में 200 है तो ये हो जाएगा 200 into 30, सो दैट विल बी अगेन 3 2 6, और कितनी जीरोज है? 1 2 3, तो मतलब 30 डेज में 6000 लीटर होगा। 30 डेज का मतलब है 1 month, तो अगर आपके पास अब 1 month का है और 8 months का निकालना है तो बड़ा सिंपल है जी। 1 month में 6000 कंज्यूम हो रहा है, 8 months में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो नाउ 6 8 48, और साथ में 3 0, सो दैट मीन्स 8 months में वो 48,000 लीटर कंज्यूम कर लेगी। ठीक है, सो अब आगे आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है कारुमिया द लैंडलॉर्ड। सो कारुमिया बॉट 3 fields, तो उसने ये 3 fields परचेज करे हैं। अब इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो हमारे पास नेक्स्ट पेज में आएंगे। सो अभी के लिए हमारा पेज 173 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन विजिट दी प्लेलिस्ट, जहाँ पे हर चैप्टर के सारे पेजेस लाइन वाइज आपको मिल जाएंगे। बाय बाय फॉर नाउ।